नमस्कार, लवली की रसोई में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम रसोई में मैंगो कस्टर्ड बनाने जा रहे हैं, जो कि खाने में बहुत ही यम्मी लगता है, टेस्टी लगता है, और वैसे भी गर्मी का सीजन है तो यह फायदा भी बहुत करता है। फ्रेंड्स, इसके लिए हमने यहाँ पर आधा लीटर दूध लिया हुआ है, ये कुछ अनार के दाने, चीनी, किशमिश, काजू, दो आम और कस्टर्ड पाउडर लिया हुआ है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर बटर स्कॉच कस्टर्ड लिया हुआ है। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी फ्लेवर ले सकते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इस आम को छीलकर छोटे छोटे पीसेज में काट कर फ्रिज में रख देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने आम को बहुत ही छोटे छोटे पीसेज में, जैसा कि आप देख सकते हैं, कट कर लिया है। अब आप इसको फ्रिज में ठंडा करने रख दें, तब तक हम दूध को गर्म करेंगे। दूध में हम दो चम्मच सोल्ट डाल देंगे। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर दो चम्मच ही डाली है, क्योंकि यदि हम इसमें आम और ड्राई फ्रूट डालेंगे तो थोड़ा सा मिठास उनसे भी आ जाती है। अगर आपको ज्यादा मीठा खाना है तो आप इसमें शुगर और भी ऐड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ध्यान दें कि दूध को बॉईल करने के लिए आप इसी प्रकार का भारी तली वाला कोई पैन लें। जब तक दूध बॉईल हो रहा है, हम कस्टर्ड पाउडर का घोल तैयार करेंगे। यहाँ पर फ्रेंड्स, मैंने केवल एक चम्मच कस्टर्ड पाउडर लिया हुआ है। आधा किलो दूध पर आप एक चम्मच ही कस्टर्ड पाउडर लें और इसको फ्रेंड्स आप एकदम ठंडे दूध से घोलें, गर्म दूध से ना घोलें। ये देखिए फ्रेंड्स, ठंडे दूध से घोलने से इसमें एक भी लम्स नहीं पड़ते हैं। अगर आप इसको गर्म दूध से घोलेंगे या डायरेक्टली आप दूध में डाल देंगे तो इसमें लम्स बन जाते हैं। ये देखिए, दूध अच्छे से बॉईल हो चुका है। अब हमने जो कस्टर्ड पाउडर का घोल तैयार किया था, आप उसको इस प्रकार धीमे धीमे इसे चलाते हुए इसमें डाल दें। फ्रेंड्स, कस्टर्ड पाउडर का घोल डालते समय इसको आप चलाते अवश्य हैं। अगर आप इसको नहीं चलाएंगे तो यह नीचे थोड़ा सा लग जाता है और लम्स भी बन जाते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, दूध में कस्टर्ड पाउडर का घोल डालने के बाद अब हमारा दूध तैयार हो चुका है और आप देख सकते हैं कि दूध का टेक्सचर इस प्रकार होना चाहिए। अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसको थोड़ा सा ठंडा होने देंगे, क्योंकि फ्रेंड ठंडा होने पर भी है हल्का सा थिक हो जाता है, इसलिए अब आप गैस को बंद कर दें। ये देखिए, दूध पूरी तरह से ठंडा हो चुका है और आप देख सकते हैं कि ठंडा होने के बाद दूध थोड़ा सा थिक भी हो गया है। अब हमने जो आम काटे हुए थे भले आप इसमें डाल दें और थोड़े से आम बचा लें, क्योंकि हम ऊपर से इसको थोड़ा सा डेकोरेट करेंगे। अब आप इनको बाउल में डालें। फ्रेंड्स, इसको हम थोड़ा सा और डिलीशियस बनाने के लिए थोड़ा सा डेकोरेट कर देंगे। आप अब कुछ आम के पीसेज इसमें इस प्रकार ऊपर से डाल दें। थोड़ा सा किशमिश, थोड़े से अनार के दाने, काजू, ये रोज लीव्स। फ्रेंड्स, दिखने में अब ये और भी ज्यादा डिलीशियस लगने लगा है, यम्मी लग रहा है। फ्रेंड्स, हमारा मैंगो कस्टर्ड बनकर तैयार है। अगर आप चाहें तो इसको इस प्रकार भी सर्व कर सकते हैं,
और अगर आपको अगर थोड़ा सा ठंडा खाना है तो आप इसको मिनिमम 15 मिनट के लिए फ्रिज में लगा दें, तो आप ठंडा होने के बाद भी इसको सर्व कर सकते हैं। फ्रेंड्स, एक बात और कहना चाहूंगी, अगर आपको इसमें एकदम से मैंगो वाला कलर लेना है और वह आपके कस्टर्ड से नहीं आ रहा है, तो आप इसमें थोड़ा सा फूड कलर येलो वाला डाल सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी मैंगो कस्टर्ड की रेसिपी अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल लवली की रसोई को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।